आज हम करेंगे मोर देन और लेस देन। मोर देन मतलब होता है एक नंबर ज्यादा और लेस मतलब एक नंबर कम। लेस मतलब कम और मोर मतलब ज्यादा। जो नंबर दिए हुए हैं हमें जैसे नंबर दिए हुए हैं उस नंबर के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वन मोर देन 695। अब देखो यहाँ मोर देन पूछा जा रहा है यानी कि 695 से एक नंबर कितना ज्यादा होगा, यानी इसमें हमें क्या करना है, प्लस। क्या करेंगे, प्लस। 695 में वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो 100 में है नंबर और यहाँ पर कितने नंबर ज्यादा पूछ रहा है, वन, यानी वंस ही पूछ रहा है, वंस की प्लेस पर वन। अब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 696। एक नंबर हमें इसमें ज्यादा लिखना है। मोर देन मतलब ज्यादा, लेस देन मतलब कम। वन लेस देन 550। अब बताओ लेस मतलब क्या बताया, कम। 550 में से एक नंबर पहले वाला नंबर यानी एक नंबर कम। ये भी आपको कैसे, यहाँ पर 550 माइनस वन ऐड कर, माइनस करके देखो, जीरो में से वन करते हैं नहीं ना, तो फाइव में से वन इसको बरो करो, टेन हो गए, टेन में से वन गए नाइन, फाइव के यहाँ पर क्या रह गया, फोर टेंस, यहाँ पर फोर और यहाँ पर फाइव का फाइव, तो वन लेस 550 का लेस देन नंबर कौन सा होगा, 549। ये था वन। अब यहाँ पर है टेन, कितने नंबर लिखे हुए, टेन, टेन मोर देन 485। अब इसमें हमें कितने नंबर ऐड करके देखने हैं, टेन नंबर। 485 में आप जब टेन नंबर ऐड करके देखेंगे तो कितना आएगा बताओ, या तो आप 10 नंबर आगे काउंटिंग बोल सकते हो या ऐड करके देख लीजिए, 495। इज दैट क्लियर, 495 ये हुआ। अब नेक्स्ट है आपका 10 लेस देन 555। 10 लेस देन यानी 555 से 10 नंबर पहले वाला नंबर, वापस आप इसे माइनस करके देखो, 5 का 5, 5 में से बन गए 4, 5 का 5, कितना नंबर आया, 545। क्या नंबर आया, 545। 100 है तो आप 100 करके देखो, 751, 100 मोर देन 851, वेरी गुड, क्या आएगा, 851। अब लेस देन 184 में से 100 माइनस करेंगे, करके देखो फटाफट, 4, 8, 1 में से 1 गए 0, क्या आएगा नंबर, 84। सिंपल है, जहां पर मोर देन होगा वहां पर आपको एक नंबर प्लस करके लिखना है और जहां पर लेस देन होगा वहां पर आपको एक नंबर माइनस करके लिखना है। इज दैट क्लियर, ओके। अब मैं आपको होमवर्क में आफ्टर बिफोर बिटवीन नंबर दूंगी, आपको काउंटिंग आती है ना, आप उससे देखना ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट कम्स बिफोर। बिफोर मतलब होता है पहले और आफ्टर मतलब बाद में, आए समझ में, आफ्टर बाद में बिफोर पहले, तो आपको क्या करना है उनको देखकर लिखना है। मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द नंबर जस्ट बिफोर टू
914 800 और फिफ्थ है 111। यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है? बिफोर नंबर। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। तो इनके पहले वाला नंबर आपको लिखना है 702। टू से पहले क्या आएगा? वन आता है, वंस की प्लेस पर वन, और ये 700 की काउंटिंग का ही नंबर है, तो यहाँ पर 701। आया समझ में? इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, आप इसे अपनी नोटबुक में करके लाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट कम्स बिटवीन। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? बिटवीन नंबर। बिटवीन मीन्स होता है बीच का। व्हाट कम्स बिटवीन? अब देखो 368 370, इसके बीच का नंबर आपको लिखना है। काउंटिंग बोलो, 368 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 369। यहाँ पर आएगा 369। 269 271, बिटवीन नंबर 271। आया समझ में? इस तरह से आपको ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं। क्या आएगा? 270। 269 के बाद क्या आएगा? 270। आया समझ में? यहाँ 271 और 69, इनके बीच में क्या आता है? 270। आया समझ में? इसी तरह से आपको ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज आपका, क्वेश्चन 11। आफ्टर नंबर, आफ्टर नंबर यानी बाद वाला नंबर। आफ्टर नंबर यानी बाद वाला नंबर। आया समझ में? आफ्टर होते हैं बाद में। ये सबसे इजी है, आपको आता है ये करना। ये क्वेश्चन से 709 709 के बाद क्या आता है? आप बताओ, 9 के बाद क्या आता है? 10। काउंटिंग में भी 710। ये सारे आफ्टर नंबर तो आप अपने आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन तो सारे आपका ये होमवर्क है, और आपको मुझे ये जल्दी से जल्दी लाकर चेक करवाना है। ओके, हैव अ नाइस डे।